हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 5 शब्द निर्माण प्रत्यय को का जो अभ्यास पुस्तिका है उसको हम पढ़ाएंगे। व्याकरण निधि अभ्यास पुस्तिका पार्ट 8 का जो चैप्टर 5 है उसको हम पढ़ाएंगे। बच्चों, इसके आगे मैंने चैप्टर 1 से लेके 4 तक पढ़ा दिए हैं और उसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अभ्यास पुस्तिका से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम चैप्टर 5 को आपको समझाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से प्रत्यय युक्त शब्दों को रेखांकित करके शब्द व प्रत्यय को अलग कीजिए। बच्चों, आपको पता है कि प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है और एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए शब्द दिया गया है आपको, क्या कर यहाँ सेंटेंस दिया गया है, वाक्य, इसमें से आपको प्रत्यय युक्त शब्द को निकालना है और फिर इससे जो मूल शब्द है शब्द को निकालना है और प्रत्यय को निकालना है। यहाँ क्वेश्चन दिया है का नंबर में, मेरे पड़ोस में एक राजस्थानी परिवार रहता है। तो ये राजस्थानी जो है ये क्या है? प्रत्यय युक्त शब्द है। तो इससे हम शब्द लिखे हैं राजस्थान और ई हो गया, बड़ी हो गया प्रत्यय, क्योंकि बड़ी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा है, लास्ट में बड़ी की मात्रा है, इसलिए आपको यहाँ पर भी बड़ी लिखने होगा। अगर गलती से आप छोटी लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए ख नंबर में, मुझे पंजाबी भाषा अच्छी तरह बोलने आती है। तो यहाँ पर प्रत्यय युक्त शब्द हो गया पंजाबी और यहाँ से शब्द निकाले हैं पंजाब और प्रत्यय हो गया ई, बड़ी ई, क्योंकि देखिए बच्चों पंजाबी में भी यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, दीर्घी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर बड़ी लिखे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए ग नंबर में, मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पढ़ना ये क्या है? प्रत्यय युक्त शब्द है, तो इससे हम शब्द निकाले हैं पढ़ और प्रत्यय क्या हो जाएगा? ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए घ नंबर, पक्षी आकाश में उड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय युक्त शब्द हो गया उड़ना और यहाँ से शब्द निकाले हैं उड़ और ना हो गया प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए अंगा नंबर में, तहसीलदार का काम जमीन का लेखा जोखा रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तहसीलदार ये क्या हो गया? प्रत्यय युक्त शब्द और यहाँ से शब्द निकाले हैं तहसील और प्रत्यय हो गया दार। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क नंबर में दिया है चलना, इससे आपको मूल शब्द और प्रत्यय निकालना है। तो बच्चों आपको पता है कि प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे? मूल शब्द को निकाल लेंगे। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द जो होगा उस शब्द का अर्थ होना ज़रूरी है, अगर आपका अर्थ नहीं हो रहा है तो आपका आंसर गलत होगा। जैसे यहाँ देखिए चलना, तो मूल शब्द निकालते हैं चल, चल मूल शब्द निकल गया चल और ना, ना क्या हो जाएगा? प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए होनहार, होनहार यहाँ पर बहुत बच्चे गलत कर बैठते हैं, लिख देते हैं मूल शब्द में होन और प्रत्यय में लिख देते हैं हार, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा मूल शब्द होना, क्या हो जाएगा बच्चों? होना, कृत प्रत्यय। ठीक है, जो क्रिया से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होना, होना हो जाएगा मूल शब्द और हार हो जाएगा प्रत्यय।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए ससुराल, तो यहाँ से मूल शब्द पहले निकालिए। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज के चलते बच्चे गलत कर बैठते हैं। यहाँ लिख देते हैं मूल शब्द में ससु और प्रत्यय में लिख देते हैं राल, तो ससु का कोई भी मतलब नहीं हो रहा है। और हम बताए हैं कि मूल शब्द का अर्थ होना ज़रूरी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ससुर, मूल शब्द होगा ससुर और आल हो जाएगा प्रत्यय, आल हो जाएगा प्रत्यय। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सफलता, ये तो बहुत आसान है, मूल शब्द हो जाएगा सफल, सफल और ता क्या हो जाएगा बच्चों प्रत्यय। क्लियर। अंगा में देखिए गुजराती, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा गुजरात, गुजरात, ठीक है, और बड़ी हो जाएगा प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ी लिखा हुआ है। गलती से भी आप छोटी नहीं लिखोगे तब गलत हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी है इसलिए हम बड़ी लिखे हैं। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर में सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। हवादार शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आपको तो पता हो गया बच्चों कि प्रत्यय क्या होता है, जो मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है आर, दार, र और हवा। तो आप एक काम कीजिएगा, आपको क्या करना है पूरा ऑप्शन को भी नहीं देखना है, आप यहाँ से आंसर निकालिएगा कि बोला है कि इसमें प्रत्यय क्या है। तो यहाँ मूल शब्द निकालिए, हवा, हवा हो गया मूल शब्द, तो बच क्या रहा है दार, तो दार हो जाएगा प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए दार कहाँ लिखा हुआ है, तो दो नंबर ऑप्शन में दार, यही सही आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर ख नंबर, ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। ऐतिहासिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन दिया है इति, ईक, ऐति और सिक। तो यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक मूल शब्द क्या हो जाएगा इतिहास, इतिहास जोड़ ईक, ऐतिहासिक, ठीक है। तो यहाँ इतिहास तो हो गया मूल शब्द और ईक हो गया प्रत्यय, तो यहाँ पर देखिए ईक, दो नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्लियर। अब ग नंबर देखिए, पहाड़ी शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन दिया है प, आड़ी, ई और अड़ी। कंफ्यूज होने का बच्चों कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि प्रत्यय निकालने के लिए सबसे पहले आपको मूल शब्द निकाल लेना है, तो प्रत्यय अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई कोई बच्चे क्या सोचेंगे कि पहले जो पहा है उसको हम मूल शब्द कर देंगे तो ड़ी हो जाएगा प्रत्यय, लेकिन पहा का तो बच्चों कोई मतलब ही नहीं होता है। और मैंने कहा कि मूल शब्द जो आप निकालेंगे उसका अर्थ होना जरूरी है, तो यहाँ पहाड़ हो जाएगा मूल शब्द और क्या बच रहा ई, बड़ी ई। तो यहाँ देखिए बड़ी कहाँ पर है, थर्ड नंबर ऑप्शन में है बड़ी, तो बड़ी ई जो है यही हो जाएगा प्रत्यय। क्लियर। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है, तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आपको कैसा लगता है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।